बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे हो। हेलो गाइस, तो ये देखिए पक्के बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत मैंने ये राय के पत्ते भी तोड़ लिए हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने गांव के इन हरे भरे खेतों से। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अपने बच्चों के साथ खेत में, और बच्चों को आप देख सकते हैं खेत में मस्ती कर रहे हैं। खेत में जो हमने चारा बोया है जानवरों के लिए, उसमें बहुत उछल कूद कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है उन्हें। और धूप काफ़ी अच्छी आ गई है, आप देख सकते हो पीछे साइड पे। सुबह तो मौसम ऐसा हुआ था बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी, लग रहा था पूरे दिन भर धूप नहीं आएगी, लेकिन दिन में से काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी। और अभी मैं फ़िलहाल अपने बच्चों के साथ खेत में थोड़ी हरी सब्जी तोड़ने आई हूँ। तो यहाँ पर हमने खेत में ना क्यारियाँ बनाई हुई हैं सब्जियों की। एक साइड हमने पालक बो रखा है और दूसरे साइड हमने बो रखा है मेथी। ये इस साइड में हमने मेथी बोई हुई है, साइड में हमने लगाया हुआ है लहसुन, और किनारे किनारे लगाए हुए हैं मटर के पेड़। और थोड़े दिनों बाद इनमें हरे हरे बहुत ही अच्छे मटर लगेंगे, आपको दिखाऊंगी मैं। तो फटाफट से मैं हरी सब्जी तोड़ लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं तोड़ रही हूँ पालक के पत्ते, उसके बाद मुझे तोड़ने हैं राय के पत्ते। और यहाँ पे मेरा बेटा अर्नब भी मेरी हेल्प कर रहा है। अभी बहुत छोटा है वो, लेकिन पर किसी भी काम में मेरी छोटी छोटी हेल्प करने की कोशिश करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पालक के पत्ते तो तोड़ लिए हैं और अब थोड़े से तोड़ लेते हैं राय के पत्ते। तो हमने जो चारा बोया है, चारे के साथ साथ ही हमने राय के बीज भी डाल दिए थे। तो ये चारे के बीच बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राय के पत्ते हैं, राय है ये सब। तो मैं थोड़े से पत्ते तोड़ लेती हूँ। तो आज शाम को बनाने वाली हूँ मैं स्पेशल डिनर, हरी सब्जी और कुछ खास। तो आज के व्लॉग में मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो दोस्तों, थोड़े बहुत मैंने ये राय के पत्ते भी तोड़ लिए हैं और इतने काफ़ी हैं पालक में मिक्स करने के लिए। तो दोनों का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है अगर एक साथ मिक्स करके बनाओ तो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आज मैं वही हरी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमने हरी सब्जी तोड़ दी है, वो अर्नब लेके आ रहा है और अर्नब की दादी लेके आ रही है फराल, हमारे जो जानवर हैं उनके लिए। यहाँ पे मैंने हरी सब्जी को 2-3 बार पानी में अच्छे से धो दिया है और अब मैं इसे फटाफट से काट लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और हरी सब्जी को भी मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। ये देखो बहुत ही अच्छी लग रही है, पालक और राई दोनों मैंने काट लिए हैं। और अब मैं फटाफट से आग जलाती हूँ चूल्हे पे और सब्जी चढ़ाती हूँ। पहले तो सरकार से मिट्टी तेल मिल जाता था तो एक ढक्कन डाल के काम चल जाता था, आग आसानी से जल जाती थी, लेकिन पर अब ऐसा नहीं है सिस्टम। तो मेरे पास जो सामान की बची कुची पॉलीथीन होती है, उसी से मैं आग जला लेती हूँ। तो दोस्तों, आग मेरी जल चुकी है और एक बार मैं दिव्यांशी को देख के आती हूँ दादी के साथ, वो क्या कर रही है। तब तक थोड़ी और अच्छे से जल जाएगी, शैतानी मत करना ठीक है। और नब मैं बस अभी आई। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना और मम्मा अभी चली गई है और यहाँ पर चाकू लेके आ रही है और इसको सब्जी और काटेगी और छोटा करेगी, मेरे को आगे खा लेगी ना। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। क्या कर रहे हो? बात कर रहे थे गाइस। बात कर रहे थे? वहाँ शैतानी तो नहीं करी ना? नहीं तो। अच्छा ठीक है, अब मैं सब्जी चढ़ा। तो दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ थोड़ा सा। ये मैंने तेल डाल दिया है। तो मैं ये हरी सब्जी के लिए सरसों का तेल यूज करती हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हो, लेकिन पर मुझे ये सरसों के तेल में ही सब्जी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। और ये रहा मेरा तड़के वाला डब्बा। तो इसमें मैंने थोड़ी बहुत जो सूखी मिर्ची होती हैं वो रखी हुई हैं, और एक छोटी सी पन्नी में आप देख सकते हैं जीरा रखा हुआ है। तो मैं ये जीरे और सूखी मिर्ची का ही तड़का लगाऊंगी इसमें। तो मैं मिर्ची ज्यादा नहीं डालूंगी ना? नहीं, डालने मत मिर्ची।
तो यहाँ पे तेल हो चुका है और मैंने यहाँ पे जीरे का तड़का लगा दिया है। उसके बाद मैं डालूंगी ये सूखी मिर्च, लेकिन पर मैं इसे ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ज्यादा डालने से सब्जी ज्यादा तीखी हो जाएगी और बच्चे नहीं खाते हैं, खासतौर पर अर्णव जो है ये मिर्च कम खाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये लाल मिर्च निकाल दी है और इसे मैं अलग रख देती हूँ, अगर पापा लोग अगर ज्यादा मिर्च खाएंगे तो उनके लिए ये मैंने रख दी है। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें सब्जी। हरी सब्जी को हम जितना सिंपल तरीके से बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, बस थोड़ा सा नमक और तड़का लगा दिया था जीरे और मिर्ची का, आपने देख लिया होगा। तो बस अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ और इसे पकने देती हूँ। तो एक बार मैं और इसे हिला लेती हूँ। तो ये हरी सब्जी बनने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये पानी छोड़ दिया है और ये पानी सूख जाएगा तो सब्जी तैयार हो जाएगी और सब्जी पक के तैयार हो चुकी है बिल्कुल, बस ये पानी सूखना बाकी रह गया है। तो अब मैं ढक्कन लगाऊंगी नहीं, ऐसे खुला रहने दूंगी इसे, और जल्दी से ये पानी सूख जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल दूंगी। तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल का आटा ले लिया है और अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसे अच्छे से हिला लूँगी, एक घोल जैसा तैयार कर लूँगी, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे के माड़े। अगर आप पहाड़ी हैं तो आपने माड़ा नाम सुना होगा और खाए भी होंगे। वैसे तो ये बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन पर आज मैं सिर्फ सिंपल वाला बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं तवे में थोड़ा सा घी डाल दूँगी, अच्छे से लगा लूँगी पूरे में, और इसके बाद जो मैंने चावल के आटे का घोल तैयार किया हुआ है वो इसमें डालूंगी और अच्छे से पूरे तवे में फैला लूंगी। और इसके चारों तरफ ऐसे मैं घी लगा दूंगी अच्छे से, और थोड़ा बहुत ऊपर में भी लगा दूंगी क्योंकि घी जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा टेस्टी होते हैं ये और पकते भी बहुत बढ़िया तरीके से हैं। और फिर मैं इसको पलट दूंगी। और ये देखिए पक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ऐसे ही मैं बाकी और भी बनाऊंगी। आज का पहाड़ी स्पेशल डिनर तैयार है खाने के लिए, हरी सब्जी और चावल के माड़े। जो ये चावल के माड़े हैं वो हरी सब्जी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आपने कभी नहीं बनाए हैं तो एक बार अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हरी सब्जी के साथ चावल के माड़े जैसे मैंने बनाए हैं, आप भी कुछ इसी तरीके से बनाएं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चावल के आटे को बस अच्छे से पानी में घोल लेना है, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मोटा करना है, और ऐसे ही बस पका देना है। तो मेरे ससुर जी वेट कर रहे हैं खाने के लिए, तो मैं फिर से उनको दे के आती हूँ और फिर खाते हैं हम लोग भी। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।